हिमाचल प्रदेश, गांव के बांकपन से सजा एक खूबसूरत पर्वतीय राज्य, जहां खेत खलियानों में खिलखिलाता ग्रामीण जीवन गुजर बसर के लिए अधिकतर खेती बाड़ी का काम करता है। खेती के इन कामों में अपना जीवन संगीत पाते ग्रामीणों के लिए चुनौती का कोलाहल भी कम नहीं है। दरअसल पहाड़ों में कृषि कार्यों से जुड़ी अनेक दुश्वारियों के साथ एक बड़ी चुनौती रहती है खेतों तक पानी पहुंचाने की, फसल की सिंचाई की। विकासखंड चंबा ने ऐसी तमाम चुनौतियों पर पार पाने की कामयाब तरकीब लगाकर एक नई कहानी रची है। आत्मथान की ये उम्दा दास्तान ग्राम पंचायत सिरकुंड, कुठेड़ एवं झुलारा की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के विकासखंड चंबा की इन पंचायतों ने कृषि एवं बागवानी क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों और प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने की अभिनव पहल की है। ग्रामवासियों के जीवट, जुझारूपन और सूझबूझ के बूते ये पंचायतें आज ग्रामीण विकास की शानदार मिसाल बन गई हैं। इन पंचायतों में मनरेगा एवं वन बंधु योजना के तहत कई सिंचाई टैंकों का निर्माण करवाया गया। मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का बेहतरीन उदाहरण है विकास खंड चंबा। इस विकास खंड में पहाड़ों से बहते हुए पानी को चरणबद्ध तरीके से एकत्रित कर लोगों को आजीविका कमाने का बेहतरीन मौका दिया है। विकास खंड की तीन पंचायतों में मनरेगा ने आर्थिकी सुदृढ़ करने और स्वरोजगार का स्वर्णिम अवसर दिया है। चंबा जिला के विकास खंड चंबा की तीन पंचायतों सिरकुंड, कुठेड़ एवं झुलाड़ा ने मनरेगा आधारित विकास की नई मिसाल पेश की है। भौगोलिक रूप से कठिन परिस्थितियां होने के कारण यहां पर जीवन आसान नहीं है। बावजूद इसके यहां के लोगों ने हिम्मत और बेहद कुशल प्रबंधन के चलते अपनी राहें आसान कर ली हैं। प्रकृति ने इन पंचायतों को अपार खूबसूरती दी है। ग्राम पंचायत सिरकुंड की कुल आबादी 2139, कुठेड़ की 1628 एवं झुलारा की 1824 है। इन तीनों पंचायतों में लोगों की आय का मुख्य स्रोत किसानी एवं बागवानी ही है। सड़क मार्ग से जुड़ी इन पंचायतों में भौगोलिक परिस्थितियां भी मुश्किल हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोगों ने मेहनत के दम पर अपनी आजीविका कमाने के जरिए विकसित किए हैं। लोगों को बेहतर आजीविका कमाने के लिए मनरेगा आधारित योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ देने हेतु कई योजनाएं इन पंचायतों में चलाई गई। इन पंचायतों में योजना के तहत कई सिंचाई टैंकों का निर्माण करवाया गया। हर टैंक में पानी की क्षमता 8 से 10 हजार लीटर प्रति टैंक है, जिससे लगभग 300 बीघा भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। पहले इतनी पानी की कमी थी, पानी जिक मान लो जी पानी जिकनाड़ा भी सड़ना, फिर प्रधान बने तो प्रधान दी दाएं कहने पानी पैप ले सोस पिछू का पैप ले ना पानी दी तो अस बेचारे टमाटर टमूटर लगाने लगे ना सब्जी कद कर लानी। एक गल से दूसरी गल ये कि भी असू फायदा इतना हो कि मेरी सड़क एम्बुलेंस रोड सड़क दीती तस कारण तो टमाटर जरा ज्यादा बधाई दीते तो बस दख फायदा कर लेते गरीब आदमी अद कोई कम कार नहीं आवे नरेगा अंदर कम कार आवे प्रधान बने नरेगा कम कार ना पहले कोई भी कम कार नहीं थी वेले बंदे दिए खेती बाड़ी ना बंदी दीजिए वेले बंदे फिर अब तो कम तो वेले नहीं तस कारण तो ये टमाटर लेंदे बैठे बारी शिमला मिर्च बगैरा तो गुजारा गरीब भरा हो ही होता जी फायदा हो जी ऐसा पानी का सब्जी सुब्जी देने जो पीने जो पानी भरने जो कपड़े धोने जो। पहाड़ों में नालों झरनों एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतों से पानी को पाइपों के जरिए एक बड़े भंडारण टैंक तक पहुंचाया जाता है। इसके उपरांत इस टैंक से अन्य छोटे टैंकों तक पानी को पहुंचाया जाता है, जिससे किसान एवं बागवानों को खेतों में ही सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाती है। पानी की प्रॉब्लम हमारी बाजा करने से सब्जी ना ला सकते थे, अब ऐसी जो ये टैंक जो बन गया ये पंचायत वाले जो बनाए इस कारण असी बड़ा फायदा लगा होना वे तो सर भाजा अस सारी सब्जी लागे लान पहले असी बड़ा भारी नुकसान पैंता तू कहीं सूखा होता तो सारी फसल इंटी खराब हो जाती थी। अब अस इस टैंक की वजह कहने पानी की अस सिंचाई कर दे तो अब इंटी फसल खराब ना होती। अब जे टैंक बने तो असी इस कने बड़ा भारी फायदा लगा होना पहले अस 10-20 हजार बेचते थे
आवे अस कोई लख रुपये टमाटर लाई पे बेचन इस कारण अस यू बड़ा भारी फायदा लगा होना पर मौसम पर निर्भर थी पहले ना ते आवे तो ये टैंक बन गया इसी वजह कने अस पानी की सिंचाई भी लाई पे करना अस यू टेरा बड़ा भारी फायदा हुआ। इस क्षेत्र में मुख्यतः गेहूं, मक्की, आलू, मटर और टमाटर की खेती की जाती है। इन तीनों पंचायतों में हर वार्ड में 3 से 4 टैंकों का निर्माण करवाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को अब मौसम पर आधारित नहीं रहना पड़ता। इन टैंकों के बनने की वजह से बागवानी में फायदा मिला है। हाइब्रिड सेब जैसे पौधों को लगाने के लिए पानी की जरूरत को इन टैंकों के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है। वहीं कई उन्नत किस्म के बागवानी वाले पौधे लगाने से अब लोगों को बेहतर आजीविका कमाने में मदद मिलनी शुरू हुई है। मनरेगा के तहत एक टैंक के निर्माण पर कुल 5 लाख रुपए तक की लागत आई है। वहीं बागवानी सुदृढ़ होने के बाद अब लोग इस क्षेत्र में पर्यटन विकास को लेकर भी खासे उत्साहित हैं। ग्राम पंचायत कुठेड़ के लगभग 100 परिवारों को इस योजना का फायदा सीधे तौर पर मिला है। इस पंचायत में 10 लाख रुपए से 70,000 लीटर की क्षमता वाले एक बड़े टैंक का निर्माण करवाया गया, जिससे बाकी अन्य टैंकों तक इस टैंक से पानी दिया गया। इस पंचायत की लगभग 150 बीघा जमीन को इन टैंकों से सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। वहीं आगजनी के बचाव हेतु भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस योजना के तहत बने कुछ टैंक जल शक्ति विभाग द्वारा पीने के पानी हेतु भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्राम पंचायत सिरकुंड के लगभग 45 परिवारों को इस योजना का फायदा सीधे तौर पर मिला है। इस पंचायत में 8 से 10 हजार लीटर की क्षमता वाले 15 टैंकों व 15 छत वाले वर्षा टैंकों का निर्माण करवाया गया। इस पंचायत में एक चेक डैम का भी निर्माण करवाया गया। इस पंचायत की लगभग 60 बीघा जमीन को इन टैंकों से सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। वहीं आगजनी के बचाव हेतु भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हमने अपनी ग्राम पंचायत सिरकुंड में मनरेगा बांधने मदों की सहायता से लगभग 30 टैंकों का निर्माण करवाया है, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है और नकदी फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लोगों का जो पलायन रोजगार के लिए शहरों की तरफ हो रहा था वो भी रुक रहा है और लोगों का रुझान कृषि बागवानी की तरफ काफी बढ़ रहा है। ग्राम पंचायत जुलारा के लगभग 80 परिवारों को इस योजना का फायदा सीधे तौर पर मिला है। इस पंचायत में 8 से 10 हजार लीटर की क्षमता वाले 20 टैंकों का निर्माण करवाया गया। मनरेगा या अन्य मदों के तहत हमारी पंचायत में अलग अलग वार्ड में टैंक बने हुए हैं, उनसे लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है और लोग नकदी फसलों की ओर मुड़े हैं और लोगों में एक उमंग है एक उज्ज्वल भविष्य को लेकर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और क्योंकि लोगों को इसके प्रैक्टिकली जो है जो बेनिफिट मिले हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग लिंक रोड के ऊपर और पानी की कुछ और स्कीम्स जो बच रही हैं उसके ऊपर भी हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं, पर्यटन और साथ ही साथ जो उन्नत किस्म के पौधे, तो इस पे हमारा ये काम रहने वाला। जैसे कुछ पहले ऐसा समय था कि लोग जो वो मतलब अपने घर को छोड़कर अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए जो शहर की ओर जाते थे, लेकिन आज इतना बदलाव हुआ है कि जो हमारे यहाँ के जो टैंक बने हैं सिंचाई, उससे जो शहर को छोड़कर जो अपनी जो ज़मीन है वहाँ जो अपनी मतलब नकदी फसलें उगा रहे हैं, तो आज पहले समय से आज में बहुत बदलाव हुआ है। इस पंचायत की लगभग 100 बीघा जमीन को इन टैंकों से सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। वहीं 3 टैंक मनरेगा एवं वन बंधु सम्मेलन से 5-5 लाख रुपए में तैयार किए गए। विकास खंड चंबा की ग्राम पंचायत कुठेड़, जुलाड़ा एवं सिरकुंड में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए मनरेगा, वन बंधु कल्याण योजना और वाटरशेड तथा अन्य मदों के अंतर्गत सिंचाई सुविधा के लिए टैंक्स और पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। और इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं सभी पंचायतों को बधाई देना चाहता हूं। हमें इस बात की खुशी है कि किसानों ने या लोगों ने या चंबा के लोगों ने या यहाँ की जनता ने मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले कामों में वो काम चुने हैं जिसमें पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैं टैंक्स की बात कर रहा था, कहीं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई टुल्लू पंप नहीं, कोई किसी तरह का पंप नहीं, झरनों से पानी लिया गया है, उन्हीं को इकट्ठा करके टैंक्स में डाला गया है, वहाँ पे आगे स्टोर किया गया है, स्टोर करके आगे इनको खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपके ध्यान में लाना चाहूँगा ये एक चीज़ के मनरेगा के तहत 260 कार्य हैं जो कि परमिसिबल हैं,
जिनको किया जा सकता है। विकास खंड चंबा में मनरेगा कन्वर्जेंस में जहां इरिगेशन की एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई गई है, जिससे न केवल खेतों में सिंचाई उपलब्ध होती है बल्कि स्वरोजगार भी वहां पर पैदा होता है। मैं यहाँ ग्राम पंचायत के प्रधान और उसके सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, वहीं विकासखंड अधिकारी को भी। इस तरह के एक सक्सेसफुल मॉडल्स जो है वो प्रदेश के अंदर खड़े किए जा रहे हैं, जो बाकी पंचायतों के लिए जो है वो एक अनुकरणीय है। और इस मॉडल पर चल करके जो है हम गांव का जो है विकास के साथ साथ स्वरोजगार भी जो दे सकते हैं। रखना संभाल के धरती का पानी।